विकास का इरादा है, घर घर रोजगार का वादा है कि नारे के साथ छाए कैप्टन अभिमन्यु। भाजपा उम्मीदवार के रोजगार व विकास के वादे को क्षेत्र की जनता ले रही हाथों हाथ। पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने और विकास का इरादा है, घर घर रोजगार का वादा है कि नारे के साथ बुधवार को जनसंपर्क अभियान चलाते हुए क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि वे अपने बेटे अपने भाई को जिताकर विधानसभा में भेजो और फिर कमाल देखना। कैप्टन अभिमन्यु ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत मिलकपुर गांव में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में अपनों से संवाद किया। इस दौरान सभी परिवारजनों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताते हुए एकजुटता एवं पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें विजयी बनाने का आश्वासन दिया। भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि हमारी कथनी व करनी में कोई फर्क नहीं है, क्षेत्र के मेरे परिवार भली भांति जानते हैं। वर्ष 2014 से 2019 तक हमारे क्षेत्र में विकास की जो लहर चली है वह लहर रुकने की टीस है। इस बात को क्षेत्रवासी भी मानते हैं और विरोधी भी मानते हैं कि हमने जो काम क्षेत्र के लिए किया उतना आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी विकास के साथ साथ क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने के संकल्प के साथ मैदान में आए हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें वोट देकर विधानसभा में भेजें। उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास व युवाओं के रोजगार की कोई योजना नहीं है। क्षेत्रवासी पिछली बार की तरह किसी तरह की चूक ना करें, अन्यथा पिछली बार की चूक से तो हम केवल विकास में ही पिछड़े हैं, इस बार चूक गए तो अपने बच्चों को नशे व अपराध के दलदल में धंसा हुआ पाओगे। उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र मर्यादित व अनुशासित लोगों की भूमि है। यहाँ की जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगी जो क्षेत्र की बहन बेटियों के प्रति अपशब्द बोलते हों, क्षेत्र में गुंडागर्दी व अपराध का माहौल बनाते हों और जिनके पास विकास का कोई विजन ना हो। ग्रामीणों ने दिया जीत का आशीर्वाद। मिलकपुर गांव में पहुंचने पर बड़ों व बुजुर्गों ने कैप्टन अभिमन्यु को जीत का आशीर्वाद दिया। कैप्टन की नौकरियों के वादे पर युवा वर्ग में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। युवा वर्ग उनका अलग ही अंदाज में स्वागत कर रहे हैं और उनका कहना है कि पहली बार किसी नेता ने उनके रोजगार का मुद्दा उठाया है जिसके वे कायल हैं।